राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आज विकासखंड सिहावल में TLM प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सिहावल विकासखंड के अंतर्गत 16 जन शिक्षा केंद्र हैं। इन 16 जन शिक्षा केंद्र के सभी अलग अलग विद्यालयों के द्वारा ये TLM प्रदर्शनी का मेला किया गया है। ये सभी शिक्षक बैठे हुए हैं अपने अपने TLM को लेकर के। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं, आपने बनाया है यहाँ पर सौर किरण ऊर्जा, तो इसके बारे में आप बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं विद्यार्थियों को। इसके माध्यम से सर हम बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि जो ज़्यादा रंगहीन वस्तुएं होती हैं वो सौर विकिरण को अपनी ओर ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, तो इस तरह बच्चों को हम स्पष्ट करवा पाते हैं कि हमको ठंडी में इसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आप बात कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे जो और ईंधन हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनकी मात्रा कम हो रही है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करके हम उससे कई ऐसी अपनी दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको संचालित कर सकते हैं, प्रकाश पैदा कर सकते हैं, है ना जी। इसके माध्यम से हम मतलब ये नवीनीकृत ऊर्जा है, इसका कभी ह्रास नहीं होगा, कमी नहीं होगी, ये दिनों दिन बढ़नी ही है। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि आप कम खर्च में भी अच्छी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ये स्वच्छ और साफ ऊर्जा है और दीर्घकालिक ऊर्जा। बिल्कुल, थैंक यू। इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं आप? ये इसके माध्यम से सर हम अपने स्वदेश में निर्मित मिसाइल, मतलब अपने स्वदेशी APJ अब्दुल कलाम की पाठ से हमने इस अवधारणा को ग्रहण किया है कि जिस तरह उन्होंने बच्चों के जो अति संवेदनशील मुद्दे चलते हैं जाति भाषा लिंग के ऊपर उठकर, जिस तरह APJ अब्दुल कलाम ने हमारी रामायण का अध्ययन करके उन्होंने अग्नि मिसाइल का आविष्कार किया रामायण को देखकर, ठीक उसी तरह बच्चे भी जो है तो विभिन्न धर्मों भाषा से नई नई जो सीखने की चीज़ें हैं उसको ग्रहण कर सकें और देश में स्वदेशी निर्माण की ओर अग्रसर हो सकें। जी बहुत अच्छा। और ये और एक यहाँ पर TLM रखे हुए हैं, ये क्या है? जी सर, ये कक्षा 6 के बच्चों को हम फसल का ज्ञान देने के लिए कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, इसका ज्ञान देने के लिए, जैसे कि धान है ये खरीफ की फसल है कि हम इसको वर्षा ऋतु में बोते हैं, और ये भिंडी है जायद की फसल है, इसको 12 महीना उगाया जा सकता है, ये ऐसे मूली है ये भी जायद के अंतर्गत आ जाती है, ये धनिया है ये भी जायद के अंतर्गत आ जाती है, ये आपकी बीन्स है, ये जो है इसको भी हम जायद। अमरपुर जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत आपकी विद्यालय है, विद्यालय का नाम है शासकीय माध्यमिक शाला मुड़का। आपका शुभ नाम? जयसिंह बघेल के द्वारा ये बताया गया यहाँ पर सौर ऊर्जा के बारे में। यहाँ पर ये इन्होंने अग्नि मिसाइल का प्रदर्शन किया है और इसी तरह से छात्रों को बताने के लिए यहाँ पर बीजों का संकलन किया है कि रवि खरीफ जायद इत्यादि फसलों को उसकी अवधारणा को कैसे विद्यार्थियों को स्पष्ट कर सकते हैं दिखा करके बीज को। ओके, थैंक यू।